रानी और रंजीत की अनचाही शादी। लक्ष्मी ने किया रंजीत और गुंडों पर वार। रक्षक बनकर पहुंचा ऋषि। टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां रंजीत ने लक्ष्मी की बेटी पारो को किडनैप कर रखा है और ऐसे में लक्ष्मी को धमकी दी है कि वो उससे शादी कर ले वरना वो उसकी पारो को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में मजबूर लक्ष्मी दुल्हन बनकर बैठ गई है मंडप में, मंडप यानी इस गोडाउन में जहाँ हो रही है रंजीत और लक्ष्मी की शादी। लेकिन लक्ष्मी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मौका पाते ही उसने कर दिया रंजीत और उसके गुंडे साथियों पर वार। देखे तो जरा कैसे वो डंडे से कर रही है इन सब की धुनाई। ऐसे में शालू भी दे रही है अपनी बहन लक्ष्मी का साथ और दोनों बन गई हैं मर्दानी और गुंडों को खूब सबक सिखा रही है। लक्ष्मी और शालू तो गुंडों की धुनाई करने में लगी है, लेकिन रंजीत को मिल गया मौका और जैसे ही वो लक्ष्मी पर वार करने जा रहा था वहाँ पर पहुँच जाता है ऋषि, जो रंजीत को ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर भी हो ना सका ऋषि और लक्ष्मी का आमना सामना, क्योंकि लक्ष्मी तो गुंडों की धुनाई करने में बिजी है। तो वही रंजीत को वहाँ से बाहर ले गया है ऋषि। तो हुआ ऐसा कि मैं लक्ष्मी को ले तो आया मंडप तक, अब बस वो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मुझे सब कुछ ठीक चाहिए, लेकिन वहीं पे सब कुछ ख़राब करने के लिए लक्ष्मी भी तैयार है, तो वो आग के अंदर हाथ डाल देती है और फिर गर्मा गर्मी होती है। और तब तक जब तक मैं उसे वापस से कंट्रोल में कर पाता हूँ तब तक ऋषि की एंट्री हो जाती है। भाई ऐसे में पारो तो लक्ष्मी को मिल गई और देखिए कैसे माँ बेटी हो गई है इमोशनल। ऐसे में लक्ष्मी ने फैसला किया कि वो रोहन के पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन शालू के कहने पर लक्ष्मी पारो और शालू वहाँ से निकल गए। वो हमारे पीछे पीछे आ जाएगी ना, अगर हम यहाँ से चले गए तो वो भी उनको भी मौका मिल जाएगा हमारे पीछे पीछे यहाँ से निकलने का। प्लीज प्लीज समझना, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर अगर ये गुंडों ने हमें वापस पकड़ लिया तो उनकी सारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो चाहती हूँ उनकी सारी मेहनत बेकार जाए, नहीं ना, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। चलो चल चलो बेटा चलो चलो दी। इन सब के बाद ऋषि ने किया रंजीत और उसके गुंडों पर वार, लेकिन ऋषि अकेला और गुंडे इतने सारे, भाई फिर भी वो कर रहा है इन सभी का अकेला सामना। रंजीत के लिए काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि ऋषि अब पिक्चर में आ गया है और अब मुझे पता है कि वो शहरी कौन था जो आके हर बार इनको बचा लेता था, हर बार हर प्रॉब्लम से निकाल लेता था। तो अब मेरा पहली बार आमना सामना हुआ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लक्ष्मी को वापस से हासिल कर पाऊँ, लेकिन देखते हैं आगे। पारो डैड डैड करती रहती है तो मुझे कुछ शक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसी कोई आदमी है जो रोहन का बाप है तो वो उसका बाप होगा और पारो की माँ तो लक्ष्मी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ऋषि लक्ष्मी का हस्बैंड रह चुका है। तो भाई अब देखना होगा क्या ऋषि को बचाने लक्ष्मी लौटेगी और क्या फाइनली हो पाएगा ऋषि और लक्ष्मी का आमना सामना। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।